धार्मिक नगरी में सोमवार शाम 4 बजे बाबा महाकाल की शाही सवारी निकाली जाएगी। इस सवारी के पहले विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के शिखर का ध्वज सुबह बदला गया है, जो कि परंपरा अनुसार प्रत्येक शाही सवारी के पहले बदला जाता है। सवारी मार्ग व महाकाल मंदिर प्रांगण सजकर तैयार हो चुका है। सड़कों व चौराहों पर फूलों की लड़ियां, गमले, लाल कारपेट लगाए गए हैं। वहीं दूसरी ओर हरसिद्धि माता चौराहे पर वर्षों से एक बड़े शेर की प्रतिमा लगी हुई है। सवारी के पहले यहां शेर की प्रतिमा के पास माता दुर्गा की प्रतिमा रखी गई है, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जिस जगह शेर के पास माता जी की प्रतिमा रखी गई है, वहीं पास में शक्तिपीठ माता हरसिद्धि का मंदिर भी है। इस वर्ष सवारी नए परिवर्तित मार्ग से निकाली जाएगी। परंपरा ना टूटे इसलिए महाकाल मंदिर परिसर में मौजूद साक्षी गोपाल मंदिर पर भगवान महाकाल और भगवान श्री कृष्ण का हरिहर मिलन कराया जाएगा। नदी पर सवारी के पूजन के लिए परंपरानुसार ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचेंगे। हर वर्ष सवारी गोपाल मंदिर से निकाली जाती है। यहाँ पर हरि और हर का मिलन होता है और परंपरा के अनुसार सिंधिया परिवार बाबा महाकाल का पूजन करते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते सवारी का रूट परिवर्तित किया गया है। देखिए, ये हमारे लिए पर्व का विषय है और आज शाही सवारी है जो बाबा की निकलने वाली है। 3:30 बजे से हमारा सभा मंडप में पूजन होगा और 4 बजे सवारी पालकी के रूप में निकलेगी यहाँ से। इस बार हमने विशेष ध्यान रखा है साज सज्जा का, तो पूरे मंदिर प्रांगण को हम लोगों ने फूलों से और जो आकर्षक चीज़ें होती उनसे आज हमने इसको सजाया है। आप पीछे देख रहे हैं पूरा हम जो पालकी द्वार है इसको, और सामने जो हमारा मंदिर है, जो लोगों के मन में रहता है कि इस बार कोविड को देखते हुए रास्ता चेंज किया है, तो हरिहर मिलन की एक बात आ रही थी। मंदिर के प्रांगण में ही हमारा साक्षी गोपाल का मंदिर है, तो हम निकलते ही यहाँ पर सबसे पहले पूजा होगी, उसको भी हमने सजाया है। मंदिर की ओर से इसमें पूजा होगी और इसके बाद में हमारी पूरी सवारी निकलेगी। रामघाट पर बाकायदा पूजन होगा माँ शिप्रा के जल से इसका, और उसके बाद में सवारी वापस अपने वैभव के साथ में मंदिर में पहुँचेगी। सावन भादव मास की आखिरी सवारी और शाही सवारी आज निकाली जाएगी, उसको लेकर पूरे महाकाल में एक विशेष तैयारी की गई है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पूरा जो प्रांगण है ये इसी मार्ग से यहाँ पर सवारी निकलेगी और बाबा की पालकी यहाँ से ही निकलती है और पूरे शहर में भ्रमण करती है। लेकिन इस बार कोरोना के चलते पूरे मार्ग को छोटा कर दिया गया है और हरसिद्धि मार्ग से होते हुए शिप्रा नदी घाट पर पहुँचेगी। पूरे शहर को पहले दुल्हन की तरह सजाया जाता था, लेकिन इस बार जो मार्ग है उसी मार्ग पर पूरी सज्जा की गई है, फूलों से सज्जा की गई है, मोगरे के फूलों से सज्जा की गई है। और इस बार जो सिंधिया जी है वो नदी पर पूजन करेंगे। जो सिंधिया परिवार है वो हर वर्ष हरिहर मिलन होता है वहाँ पर पूजन किया जाता है, लेकिन इस बार कोरोना के चलते नदी पर पूजन किया जाएगा। चम्मू गुरु जी हमारे साथ हैं, ये बताएंगे किस तरह से पूरे शहर में सज्जा की जाती थी और इस बार किस तरह की सज्जा की। कहते हैं कि अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ऐसे बाबा महाकाल के आकाश से तार के लिंगे पाताले हटकेश्वर और मृत्यु लोक है महाकालेश्वर। ये मृत्यु लोक के अधिपति बाबा महाकाल है। हर वर्ष श्रावण मास और भादो मास में अपनी ये जो उज्जैन नगर की प्रजा उनका हाल जानने के लिए निकलते हैं। चूँकि इस बार कोरोना काल चल रहा है, उस कारण जो साई सवारी इसमें लाखों की तादाद में दर्शनार्थी भगवान महाकाल की एक झलक दर्शन करने के लिए आते थे, वो एक सीमित मात्रा में तो भी नहीं है, और वह उस प्रशासन अपने हिसाब से सारी व्यवस्था करी है। और इस वर्ष ये है कि पूरे शहर जो सवारी मार्ग जो नया परिवर्तित मार्ग करा था उसको बहुत व्यवस्थित रूप से प्रशासन ने उसको सजाया, साज सज्जा करी है। ये इतिहास में पहली बार ऐसा कार्य हो रहा है। और हर वर्ष जो गोपाल मंदिर पर साई आरती होती थी, इस बार यहाँ साक्षी गोपाल पर प्रशासन की सहमति प्रशासन द्वारा एक जो हरिहर मिलन जिसे कहते हैं कि भगवान को बिलपत्र की माला अर्पण करेंगे भगवान महाकाल साक्षी गोपाल जी को, साक्षी गोपाल जी उनको तुलसी की माला अर्पण करेंगे। तो ये एक अनोखा संगम है और जो प्रशासन ने पहल की बड़ी प्रशंसनीय है, और यहाँ के जो दर्शनार्थी हैं जो बाबा के दर्शन की एक ललायक देते हैं, तो वो आज यही है कि आज आप मीडिया के माध्यम से और ऑनलाइन माध्यम से ये भगवान महाकाल की साई सवारी के दर्शन कर सकते हैं। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।